नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा है। खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा कि रात भर सोना मुश्किल हो गया है। और अभी आई हूँ मैं छत पर, क्योंकि बारिश का मौसम यहाँ पर चल रहा है और बहुत ही मतलब भारी वाली बारिश हो रही है। लगातार कल परसों से बारिश हो रही है। हम ऋषिकेश से आए थे, ऋषिकेश मेरा भाई रहता है, वहाँ पर तो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि गंगा किनारे जितने भी घर हैं वहाँ पर पानी भर गया है। तो बताया उसने कि ऐसी हालत है, तो मैंने कहा सेफ़ रहना, सुरक्षित रहना। और मैंने दिखाया भी था आपको अपना छोटा भाई, तो काफ़ी टेंशन हो जाती क्योंकि वो वहाँ पर अकेले रहता है। तो काफ़ी बारिश है यहाँ पर, कई दिनों से ऐसा हो रहा है। अब की बार बारिश कुछ ज़्यादा ही हुई है। और अभी मैं छत पर हूँ, अभी मेरे साथ बैठा है प्यारा राजा, है ना राजा। राजा को सब बोलते हैं अकेले छोड़ के चले जाते हैं। राजा को हम वैसे तो अकेले छोड़ देते हैं क्योंकि ये रह लेता है, और यहाँ पर मोती और लड्डू इसके साथ रहते हैं, वैसे अकेला नहीं रहता है। और बाजार के बजाय इसको हम घर के आसपास ही घुमाते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसको हम छोड़ के चले जाते हैं। वैसे ये एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, और मैं सोच रही थी कि ठीक हो जाएगा इसका ये जो एग्रेसिव है, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि बचपन से ही इसको आदत पड़ गई है और ये कब गुस्सा हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। तो काफ़ी ध्यान रख के इसे प्यार करना पड़ता है ना। अभी डरते डरते मैं हाथ फेर रही हूँ, और ना बारिश से बहुत बुरे हाल हो गए हैं मेरी छत के भी। और कितनी केयर कर सकती हूँ मैं, गार्डन का भी, पूरे जो मेरा टेरेस गार्डन है वो सब किसी में पानी भर गया है, किसी में कुछ हो गया, और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि मैं केयर भी नहीं कर पा रही हूँ। आपको अपने टेरेस गार्डन की कुछ झलकियाँ दिखा देती हूँ जो पॉजिटिव है। ये देखिए, ये टब में लगा हुआ अमरूद का पेड़, ये देखिए कितने सारे इसमें अमरूद आए हुए हैं। तो इस बार अमरूद काफ़ी ज़्यादा हमें खाने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये पेड़। और इधर देखिए, ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल काफ़ी अच्छे से चल रही है। और मॉर्निंग ग्लोरी जो है ना सुबह के टाइम ही खिलती है, लेकिन बारिश का मौसम है इस वजह से अभी कम से कम 11:30 बज चुके हैं, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, इसके बावजूद ये खिल रही है। मौसम ठंडा है इस कारण से ये खिल रही है। काफ़ी प्यारे फूल होते हैं, ये बेल वाला प्लांट है। और इसके सिवा मुझे डर लग रहा था कि बारिश हुई है तो कहीं ये जो मेरे नींबू का पौधा है, ये देखिए इसमें इतने सारे फल आए हुए हैं, ये देखिए इतने सारे फल आए हुए हैं, कहीं ये ना गिर जाए, इतनी तेज़ बारिश हुई है। इस बार नींबू भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और इधर भी आने लग गए हैं, दूसरी साइड भी, अभी इसी साइड आए थे, इस साइड ज़्यादा है, दूसरी साइड कम है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बाकी तो सब ये देखिए कैसे हो गए हैं पेड़ मेरे, इतनी केयर करने के बावजूद देखिए पानी भर गया है, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये काम बरसात में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो काम ना मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गुलाब देखिए, गुलाब नहीं खिलना बंद हो रहे हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, उसमें देखिए काफ़ी पानी भर गया है, ये देखिए। तो गुलाब तो ठीक ही चल रहे हैं, इधर देखिए ये पानी भर गया है, मिर्च की पौध लगाई थी मैंने तो ये चल रहा है। और ऊपर से मेरी खांसी वो मुझे चैन नहीं लेने दे रही है, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है कि बस क्या बताऊँ, बहुत कंट्रोल करके बोलना पड़ रहा है। माइक भी नहीं लगाया मैंने क्योंकि उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आती है, गले में खराश हो गई है। तो अभी छत पे आई थी मैं देखने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं। आजा राजा, इसको लेके चलते हो, चलो चलो नीचे, ये मेरे साथ आ जाता है, चलो नीचे चलो चलो। फेरिया क्या कर ला बच्चे, क्या कर रहा है? ओए ओए, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप नहा लिए? आज बारिश थी ना तो हम देर में उठे थे, तो देर से ही नहाना हुआ हमारा। अब फिर ये देखो केजी बेटा है, बच्चा है केजी दिख लाए। हाँ ये ना ऐसी बैठी रहती है, बस हम बैठे रहने चाहिए पास में, क्यों फेरी क्या सुनती है? घूमी घूमी चलेगी, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, घूमी घूमी चलोगे? घूमी घूमी तैयार होगी? अरे रुक जा, मैं भी चलूंगी। वो ना पहले ही तैयार हो जाती है, चलेंगे चलेंगे, ठीक है। हाँ वो भी चिल्ला रहा है, वो राजा भी बाहर से चिल्ला रहा है, मैं भी चलूंगा, पर काटने के लिए चलेगा। हाँ वो देखना कैसे कर रहा है उसको, वो अभी पता है हमारी सारी बातें समझने लग गया है। हाँ बोल, इसको यही छोड़ दो, राजा को ले चलो, बस राजा को लेके जाएंगे, तुम यही रहना, बस इसको
ठीक है, तुम यही रहना। ऐसे लड़ती है ना ये, कहना नहीं मानती है, है ना, यही रहेगी। ये देखना, कोई चक्कर नहीं है, तुम यही रहना, ठीक है। हम अभी आ जाएंगे, राजा रह लेता है ना अकेले, इसको भी आदत डाले क्या छोड़ने की, नहीं रह पाएगी ये। तो अभी हम घर से निकल आए हैं, राजा आज बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था तो कैसे भी करके निकल आए हैं। थोड़ी देर का ही काम है क्योंकि राखी का त्यौहार आने वाला है, मुझे लेनी है राखी। वैसे तो मैं जाती हूँ पलटन बाजार, लेकिन बारिश के मौसम के कारण मैं सोच रही हूँ यहीं आसपास से ही ले लेती हूँ। और वैसे तो मुझे पसंद आती नहीं है यहाँ की, आसपास की, वहीं की ज़्यादा पसंद आती है। क्यों चलोगे क्या, मौसम इनको ना दूर ना जाना पड़े तो इतने बहाने मारते हैं, बोल रहे बारिश हो रही है। आपको भी पता है वो वाला रोड वाला माइक लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ना जाती नहीं, इनकी आवाज़ नहीं आती ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। आप इन्हीं की सुनो, मेरी मत ये बोल रहा, आप इन्हीं की सुनो मेरी मत सुनो। सच, दूसरा वाला मेरे पास, दूसरा वाला माइक है, अगली बार से वो लगा के आएंगे, ठीक है, तब दोनों की क्लियर आएगी। तो बारिश के कारण ना फेरिया भी हमारे साथ तो यहीं आस पास से ही ले लेते हैं। और क्योंकि जो मेरे बड़े भैया हैं वो रहते हैं कानपुर, और तो समय से पहुँच जाए, काफ़ी टाइम लग जाता है पहुँचने में राखी, और कभी तो आ जाते हैं कभी नहीं आ पाते, काफ़ी दूर पड़ता है, यहाँ से 600 किलोमीटर है तो पास नहीं है। और छोटा वाला भाई जैसे कि मैंने बताया ऋषिकेश रहता है, वो तो आ जाता है, बड़े भैया नहीं आ पाते हैं और ये मुझे लेके जाते नहीं है, तो इसी वजह से राखियाँ ले लेते हैं। तो पहुँच चुकी हूँ मैं राखी लेने के लिए दुकान पर, कुछ राखियाँ मुझे पसंद आई हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों के लिए ये ली है मैंने, फ़िलहाल तो मुझे यही मिली है और अभी तक ना इन लोगों ने पैकेट खोले नहीं है, तो कुछ कुछ है। तो ये छोटे बच्चे हैं वहाँ पर भैया के, दो उनके लिए ली हैं और एक ये वाली पसंद आई है, ये सारी, तो इनमें से ही मैं ढूंढ रही हूँ, तो चलिए ले लेती हूँ फटाफट से। तो राखियाँ तो मिली गई हैं, पसंद भी मुझे आई गई, और हस्बैंड पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, अब उनको ढूंढना पड़ेगा, वेट करती हूँ, शायद वो कहीं चले गए हैं, इधर उधर देख लेती हूँ। वेट करते करते इतनी देर हो गई, कहाँ चले गए थे भैया आप, मैं ढूंढ रही थी आपको। नहीं था, इसके पास गया था। अच्छा हो गया काम, कहाँ घूम गया, कहाँ घूम गया, राखी ले ली। अब ना अब जाते हैं डाक खाने, पोस्ट करके आ जाते हैं, ये काम निपट जाएगा। आ गए हैं डाक खाने में, सारी ये लिख दी है, एड्रेस लिख दिया, हम जाके पोस्ट कर देते हैं। कहाँ गिरा दिया, हो गया, बेच कर। राखी का तो काम निपट गया, पोस्ट भी कर दी, अब लेनी है मुझे दवाई, और जो अंग्रेजी दवाई है उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं काफ़ी डल डल भी लग रही हूँ आपको। तो अभी हम जा रहे हैं आयुर्वेदिक दुकान पे, तो बहुत ही मतलब खांसी अगर जा ना रही हो ना तो सबसे कामगर है वो, तो वहीं चलते हैं, फिर आपको बताऊँगी कौन सा चूर्ण है वो, ताकि आपको भी हो तो आप भी ले सकें। तो अभी पहुँच गए हैं धर्मपुर रेलवे ट्रैक पर, और ये देखिए कितनी भीड़ है, बाप रे, लाई और बनना चाहिए यहाँ। हाँ वही तो, कुछ ज्यादा ही भीड़ होने लगी। अभी उस रेलवे ट्रैक से निकल कर आए थे, भीड़ कम थी, और आप देखिए यहाँ पर जाम लगा हुआ है, बहुत भयंकर जाम है आज। और इस टाइम पर स्कूल की छुट्टी भी होती है, इस वजह से भी काफी जाम लग जाता है, दिन का समय हो रहा है, तो हमें ना सारी चीजें लेने के लिए कितनी दूर आना पड़ता है, वहां पर जहाँ हम रहते हैं वहां पर ज्यादातर ये चीजें नहीं मिल पाती। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ आयुर्वेदिक होम्योपैथी की दुकान पे, तो अपनी दवाई ले लेती हूँ, भीड़ इतनी है कि बस। तो ये दवाई ली है मैंने, सीतोपैलादी चूर्ण, और जो यहाँ पर हैं भैया उन्होंने बताया कि आप 5 बार लेना इसे शहद के साथ, बोल रहे एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको भी खांसी है ना तो आप सीतोपैलादी चूर्ण का ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मार्केट का तो सारा काम निपट गया है, अब चलते हैं घर की ओर और आगे देखते हैं कौन कौन मिलता है, अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो घर आते ही आपको पता है मेरे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो इधर है खुशी, ये देखिए खा रही है, इधर
और एक ये है घर का रास्ता, देखिए कितना खराब है, ये देखिए नाला, ये देख रहे हैं, और मुझे उतार दिया है। चलो भाई आप जाओ। आते ही ऐसा रोए है ना ये, और पड़ोसियों ने बताया कि लड्डू तो आज बहुत ज्यादा रो रही थी। क्यों रे, रोज तो नहीं रोती। और मोती भी भाग के आ गया उधर से, फिर ही होगी प्यार। वैसे इतनी भगदड़ मचा रहे थे और हमारे घर आते ही ना शांति से बैठे वो देखना वो कहाँ घुस के बैठा है स्कूटी के नीचे, वो भी आगे बैठ गया। वहाँ से आने के बाद तुरंत मैंने अपनी दवाई ली है और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है कि मतलब बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा मुझे खांसी हो रही है। और इसके बाद फिर से इन्हें खाना पीना कराया। वैसे तो मैं 11 बजे इन्हें खाना दे के गई थी, लेकिन फिर से भूख लग गई होगी तो सभी को खाना दे दिया है आराम से बैठे हुए, है ना राजा, है ना। बोलो आप लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं, बोलो। देखो देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं, ब्लॉग पसंद आते हैं। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हो, मैं नहीं बोलूँगा ऐसी सिफारिश नहीं करता मैं, तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।